जय गो माता। जहाँ गौ माता विचरण करती है वहाँ भगवान श्री कृष्ण विचरण करते हैं, ऐसी बिल्कुल सच्चाई है। या यूं कहें कि जो गौ माता की सेवा करता है वो भगवान का भक्त होता है। और ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं। हमने मोरिया बाबा की बात की, मोरिया बाबा का हमने मंदिर भी दिखाया। और उसी तरह के एक संत और हुए हैं इसी सिलोया गाँव के, श्री श्री 1008 श्री जेठा जी महाराज। ये कंठी की पहाड़ी इसको कहते हैं, छोटी सी मगरा है, पहाड़ी है। और इस जगह पर श्री 1008 श्री जेठा जी महाराज रहते थे, इसी गांव के थे। लगभग 30 साल पहले उनकी यहाँ समाधि लगी और लगातार उन्होंने कई दशकों तक इसी स्थान पर भजन किया। एक सामान्य गृहस्थी परिवार से थे, बाल बच्चों से निवृत्त होने के बाद ये यहाँ हमको एक बात शिक्षा ली जा सकती है कि अगर हम निवृत्त हो जाते हैं सांसारिक कार्यों से, परिवार से, बच्चों से, तो हमको भजन में लग जाना चाहिए। ऐसा हमारे संस्कृति भी इसी बात को बयां करती है। यहाँ श्री महादेव जी, जिनको कंठी वाले महादेव जी कहते हैं, और वो श्री जेठा जी महाराज ने ही इस मंदिर की स्थापना की। हम श्री कंठी वाले महादेव जी के दर्शन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कंठी वाले महादेव जी का मंदिर है। और ये पहाड़ी को भी कंठी की पहाड़ी या कंठी का मगरा के नाम से इसको कहते हैं। ये यहाँ श्री जेठा राम जी महाराज हुए हैं, जेठा जी महाराज जिनको हम कहेंगे। यहाँ उनकी उन्होंने भक्ति की। मैं यहाँ श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ गाय के गोबर से लिपा हुआ है। यहाँ देसी वृक्ष भी हैं जो हमारी देसी संस्कृति को बताते हैं, धों आदि। और यहाँ दूसरे आधुनिक जो वृक्ष कहेंगे, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के हम दर्शन करें। क्योंकि जहाँ गाय होगी वहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ गाय भी होंगी। तो भगवान श्री कृष्ण, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ की कहानी के दो बड़े पात्र हैं, यहाँ की कहानी के दो बड़े पात्र हैं। एक है श्री श्री 1008 श्री जेठा राम जी महाराज। जेठा जी महाराज जो देवासी परिवार से थे, हम इनको वंदन करें, नमन करें, प्रणाम करें, क्योंकि संत थे। और जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है, जो अपने स्वरूप को जान लेता है, वो जीव से शिव बन जाता है। ऐसा बहुत ऐसे करोड़ों उदाहरण हैं इस हमारे इस ब्रह्मांड में कि जिन्होंने अपने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं का जीव को पहचान लिया, वो शिव बन गया। और ऐसे ही श्री श्री 1008 श्री जेठा राम जी महाराज हुए। जेठा जी महाराज जिनको कहते हैं, इसी गांव के थे इसलिए ये गांव भाग्यशाली है, इसी गांव में रहकर तप किया इसलिए ये भाग्यशाली है, यही गांव इनके लिए मथुरा काशी वृंदावन और सब कुछ हो गया, यही गांव इनके लिए अयोध्या हो गई। और श्री जेठा जी महाराज, और इनसे एक पात्र और है, एक कहानी के पात्र श्री लूंगबाई सा। ये राजपूत परिवार से थे और इन्होंने यहाँ भजन किया। ये एक बड़ी कहानी है, हम इनको वंदन करते हैं। देखिए, जो भी भजन करता है, जो भी भजन करता है, वो फिर जाति पाति लिंग भेद संप्रदाय और आदि सारी बातों की छूट है कि जो भी भजन करता है वो भगवान को प्यारा हो जाता है, जो भी भजन करता है वो भगवान को पा लेता है। और ऐसे ही दिव्य आत्मा हम देख रहे हैं, इनके एक हाथ में माला है, बिल्कुल एकदम जिसको हम ध्यान मुद्रा कहेंगे, इस मुद्रा में श्री लूंगबाई सा विराजमान है। संत शिरोमणि लूंगबाई सा को हम नमन करें, वंदन करें। श्री लूंगबाई सा के बारे में ऐसा कहते हैं कि इनका पियर था, जिसको जन्मभूमि कहेंगे कौकेंद्रा,
सियाकरा यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर वो इनकी ससुराल थी, लेकिन श्री जेठा जी महाराज की ये शिष्या थी, जिनको हम चेली कहें जो भी नाम दें, लेकिन इनकी शिष्या थी। और शिष्या होने के नाते आप निरंतर भजन करती थी। मैं इस आश्रम नुमा भव्य तीर्थ नुमा स्थान को, यहाँ वार्षिक मेला लगता है, यहाँ इनकी एक दिन होता है, यहाँ लोग भजन करते हैं, भजन संध्या करते हैं, और ये संपूर्ण वातावरण यहाँ बता रहे थे कि श्री जेठा जी महाराज ने दो तीन बड़े काम किए, गायों से उनका गहरा संबंध था। यहाँ पीछे एक तालाब खोदा इन्होंने, ये एक बड़ी बात है कि कृष्णा सागर तालाब, पहाड़ी तालाब ये इस पहाड़ी के नीचे, हालांकि उनके मकसद ये रहे होंगे कि तालाब में पानी ठहरेगा तो कुओं में पानी होगा, लेकिन ये भव्य रमणीक वातावरण के बीच में यहाँ आने के बाद आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ आगे मुरिया बाबा का स्थान है, या यूं कहें कि ये संपूर्ण भूमि देव भूमि है, तपो भूमि है, सिद्ध भूमि है। यहाँ एक सामान्य सा ये हल्का सा भी अगर हम भजन कर लेते हैं, ईश्वर का स्मरण कर लेते हैं, तो हमको जल्दी सिद्धि मिल जाती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ घना जंगल किया है, यहाँ एक हरियाली डेवलप की है, क्योंकि यहाँ जंगल है, जल है, जमीन है और भाव है। इस तरह से हम मैं मेरी बात को विराम दूं, उससे पहले यहाँ के और एक भव्य वातावरण को दिखाना चाहूँगा। हम यहाँ देख सकते हैं कितने पक्षी हैं, कितने जीव जंतु हैं, गौ माता है, और यहाँ अभी एक दिन पहले मेला भी हुआ था। ये सामने हम देख सकते हैं, इसी गांव के एक और संतु हैं श्री मोरिया बाबा, उन्होंने यहाँ भजन किया, और भजन का एक ऐसा प्रताप होता है, भजन की एक ऐसी कहानी होती है, जब कोई भजन करता है तो संपूर्ण वातावरण भजन की एक पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत हो जाता है। ये एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, रमणीक पहाड़ी है, और आज हमने गौ माता के दर्शन किए, आज हमने मोरिया बाबा के भी दर्शन किए, आज हमने श्री जेठा जी महाराज और उनकी परम शिष्या श्री लुंगबाईशा के दर्शन किए। तो मैं इस मेरी बात को इस बात के साथ विराम दूं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, हम संतों के शरण में जाएं। बोलो श्री जेठा जी महाराज की जय, बोलो लुंगबाईशा की जय।